Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of 3 class. How you to all? Hope so you all are fine and enjoying good health. Ji students, I'm your Islamiyat teacher. Ji beta, sab students, apni Islamiyat ki नोटबुक्स ओपन कीजिए. उस दिन हमने रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक बुक रीडिंग की थी और उसकी एक्टिविटी नंबर 1 की थी. आज बेटा हमने इस्लामियात की इमला नोट करनी है. सब स्टूडेंट्स अपनी इस्लामियात की नोटबुक्स ओपन कर लीजिए. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अपनी पेंसिल्स को शॉर्प करना है, क्योंकि अगर आप पेंसिल शॉर्प नहीं करेंगे तो आपका काम नीट एंड क्लीन नहीं होगा. सबसे पहले अपनी पेंसिल्स को शॉर्प कीजिए और उसके बाद सबसे पहले आपने हेडर रेडी करना है. आज की डेट लगानी है. आज है 16 दिसंबर 2020. उर्दू में डेट लगाएंगे और उर्दू में डेट जैसे मैंने लगाई हुई है बिल्कुल सेम आपने वैसे ही लगानी है. बड़ा नीट एंड क्लीन सा लिखें. 16 दिसंबर 2020 ईस्वी. और बेटा डे है हमारा वेडनेसडे बुध. डे पे टिक कर लीजिए. और मौजू में बेटा हम चैप्टर का नेम लिखेंगे. चैप्टर का नेम है रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक. जी बेटा, बड़ा प्यारा सा हेडर रेडी कीजिए और उसके बाद आपने पेज के फर्स्ट वाली लाइन के बिल्कुल दरमियान में बेटा इमला राइट करना है. साइड पे नहीं लिखना और कहीं नहीं लिखना, सिर्फ दरमियान में ही आप इमला राइट करेंगे, क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ बड़ा अच्छा लगता है. उसके बाद बेटा आप इमला की नंबरिंग दे लीजिए. 5 वर्ड्स आप एक साइड पे करेंगे और बिल्कुल 5 वर्ड सेम उसके आगे ही करेंगे. पहला वर्ड है हमारा रिश्तेदारों. आप देख रहे हैं कि रिश्तेदारों में 4 कट आए हुए हैं. रे शीन के 3 कट हैं और आगे तेहे ता एक इसका कट है. रिश्तेदारों दाल अलिफ दा रे वाओ नून गुन्ना रिश्तेदारों. जी बेटा, फर्स्ट वर्ड हमने लिख लिया. सेकंड वर्ड है हमारा हुस्ने सलूक. हुस्ने सलूक में बेटा आप देख रहे होंगे कि हे के ऊपर पेश है, आगे सीन के 3 कट हैं और नून है और नून के नीचे जेर है, जिसे हमारा बना हुस्ने और आगे है सलूक. सलूक में भी सीन के 3 कट्स हैं, आगे लाम वाओ का सलूक, हुस्ने सलूक. जी बेटा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वालदैन. वाओ अलीफ लाम दाल ये नून वालदैन. नेक्स्ट वर्ड है बेटा इज्जत. आइन जे ते इज्जत. जे के ऊपर शाद लाजमी लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 दफा जे आ रही है. आइन जे इज जे ते इज्जत इज्जत. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एहतराम. अलीफ हे तेरे लिफ्रा मीम एहतराम. जी बेटा, 5 वर्ड्स आपने लिख लिए. अब 6 वाला वर्ड जो है, जो आपने फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है उसके आगे ही 6 वर्ड लिखेंगे. 6 वर्ड है हमारा ख्याल. खे ये लिखिया लाम ख्याल. ख्याल के बाद 7 वर्ड है बेटा मुहब्बत. मीम हे बे ते मुहब्बत. और बेटा यहाँ पर भी बे के ऊपर शद आएगा, क्योंकि बे 2 दफा आई हुई है और जो वर्ड उर्दू में 2 दफा आता है हम उसके ऊपर शद लगाते हैं. देखे मीम हे मुहब्बतेबत. मीम हे बे बेतेबत मुहब्बत. नेक्स्ट वर्ड है लड़ाई. लाम रेलिफड़ा हमजा छोटिए लड़ाई. जी बेटा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है झगड़े. जी दो चश्मी है गाफ रे बड़ियेड़े झगड़े. जी बेटा, लास्ट वर्ड है हमारा 10th वर्ड, लास्ट वर्ड तरीके. तोए रे ये काफ बड़िए के तरीके. और बेटा यहां पर जो काफ बड़िए के है वो डॉट्स वाला काफ आएगा. जी बेटा, सारी इमला आपने नोट कर ली. जी बेटा, ये जो इमला आपने अपनी कॉपी पे नोट की है ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और इसकी जुबानी लिखकर प्रैक्टिस लाजमी करनी है.
जी बेटा जी, आज की आपकी डायरी है रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक, पेज नंबर 84 की बुक रीडिंग है, वो जो उस दिन हमने की थी सेम वही बुक रीडिंग है आपकी, प्लस उसके साथ इमला ये जो भी हमने की है आपका HW है, प्लस लर्न। जी बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।